अब इसको भाई देखो, दही पड़ेगा इसमें थोड़ी देर में, और मसाला को तब तक छोड़ेंगे जब तक वो तेल ना छोड़ दे। अभी कहा नहीं कैसे तेल छोड़ी दे, जोर गोल लो कब यार, तेल छोड़ा चक्कर में झोंस दे रहा था। अबे सोन हो जी पगला, जला हुआ थोड़ी देर खाना खाई उड़ो भाई भाई भरमा दे समझने के चार दे ले बा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, हमारे चैनल अंकित यूपी 60 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। फटाफट से टॉपिक पे आते हैं, अभी टाइम हो रहा है 8:30 पता नहीं, दिखाते हैं, मेजर परेशान है, 8:35 हो रहा है, बैक चुप रहो आओ तो नहीं। अभी तुम्हारा भाई बनाने वाला एक करी, नहीं तुम्हारे भाई का भाई बनाने वाला एक करी, हमको बनाने नहीं आता है, तो दही डाल के एक करी बहुत ही स्पेशल बनने वाला है खाना। तो आज की वीडियो से रिलेटेड भाई आप लोगों को दिखाएंगे एक करी, ठीक है। आटा भाई करने देखो, एक उबाल दिए हैं, ठीक है, एक उबला गया है, मम्मी उबाल के रखा था, अभी तुम्हारा भाई आया है शॉप से, तो बड़े भैया जी बनाएंगे एक करी दही डाल के, इसलिए आप लोगों ने दही डाल के नहीं खाया होगा, इसलिए हम दिखा रहे हैं आप लोगों को दही डाल के कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। तो अभी कुकर उधर गर्म हो रहा है और मेजर भैया उधर खोपड़ी गर्म कर रहा है, तो चलिए पहले उधर से मेजर को खोल के लाते हैं, ठीक है, फिर दिखाते हैं कैसे क्या बनता है। परेशान है उसको मेरे आ जाने के बाद ना, अगर वो खुला अगर बंधा रहेगा ना तो परेशान रहता है। देखो सामने, देखो यहाँ से दिख रहा होगा, हमको ही देख रहा है, अभी आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं, वो हमको ही देख रहा है। अभी चलते हैं उसको खोल के लाते हैं, पहले हम यहाँ पे लाइट ऑन करते हैं, ये वो भी हमको ही देखे, जब भी हम घर पे आ जाएंगे ना अगर वो बंधा रहेगा हम ऐसे फेरेंगे तो खा गलेगा चिल्ला चिल्ला के, वो जब मेरे आने को वो मेरे पास रहे खुला रहे। अभी देखो खोलेंगे तो फिर कितना खेलेगा, अभी वहीं पर रुक जाओ मैं इसको खोल के लाता हूं। ऐसे घर में नहीं जाता, देखो हम यहाँ पे आ गए ना तो मेरे पीछे पीछे घर में जाए, हमसे आगे गया, देखो ऐसे नहीं जाता है घर में, मतलब मम्मी इसको नहीं जाने देती है, मेरे रहते ये घर में जाता है, नहीं घर में नहीं जाता है, मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मम्मी को नहीं पसंद है ये किचन में जाए, हल्का सा भी बाहर शरीर को बॉडी को ऐसे हिलाएगा ना तो बाल गिरने लगे, मम्मी गुस्सा आ जाती है, तो बस उसको खेलने को चाहिए, हम आ जाते हैं। अभी चलो फटाफट आप लोग दिखाते एक करी भाई, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, जिसको भी खाना होगा ना तो वैसे बनाना, रेसिपी बता देते हैं कैसे पड़ता है क्या पड़ता है। तो अरे बात चल डर सुनवी में हमारे दिखाता हूँ आप लोग को भाई, ये देखो क्या क्या पड़ रहा है, ये अंडा, हल्दी का क्या डाल लो भैया, हल्दी हल्दी मिर्चा लाल मिर्चा भैया, वाह इसको मिक्स कर लेंगे, फिर एक करेंगे फ्राई हो गई तेल में, फिर इसको तेल में फ्राई करेंगे, ये तो हम ही पहली बार देखा था नहीं क्या भैया, अच्छा फिर इसमें पड़ेगा तेल, अच्छा उसमें उसमें पड़ेगा तेल भाई, हमको नहीं पता है, हम आप लोग को बता रहे हैं। देखते रहो, इसको बंद करो, देख लो मेरे भाई जिसमें बने ना। इसमें मसाला लग गया, नमक पड़ रहा है, मैं नमक ना पड़ लो भाई, नमक बिना नमक के खाली हल्दी मिर्चा फ्राई हो जी, वो के बाद मसाला बने, आ दही लिया बनी, दही कहाँ पर भैया, देख लो भैया दही है बा, अमूल का लोकल माल ना, अमूल का दही पड़ेगा, पैकेट वाला दही लेना मजबूरी पड़ गया था क्योंकि घर पे दही है नहीं, नहीं तो मैं घर का ही दही डालता हूँ, पैकेट वाला नहीं डालता। इसको कर देंगे फ्राई, ठीक है, और जब तक फ्राई होगा तब तक इधर दिखाते हैं मेजर भैया को, काबे कहाँ जीबे कहाँ जीबे, तो खराब हो गई भाई, इधर अंडा होने लगा भैया फ्राई, ये भाई जरे लगता है ना भाई, वो ऐसा दिख ही रहा है, ये है हीटर और आपको टेम्परेचर करना है 2000 डिग्री सेल्सियस, हट तू छू मत खराब हो जी, हट
तू मत छू, तो रात लगा रही थी खराब हो गई। देखिए आपको पलटा से नहीं हिलाना है, पूरे कुकर को हिलाना है। पूरा कुकर घुमाना है सबसे पहला चीज, तभी आप लोगों को बनेगा। एक का बन नमक आएगा, देसी एक करी विथ दही। देसी एक करी विथ दही। अब ये फटाफट से फ्राई हो जाए तब आप लोगों को दिखाते हैं। इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक फ्राई ना हो जाए। अब कब तक फ्राई होगा निकलने के बाद आप लोगों को दिखा देंगे, हमको नहीं पता है कब तक फ्राई होगा। बस कुकर का खोपड़ी पकड़ के हिलाते रहना है इसे बार बार। और इधर मम्मी ने काट रखा है हरी मिर्च, हरी मिर्च कम नहीं होना चाहिए तभी स्वाद में मज़ा आएगा। और ये रहा मत प्याज, और वो लहसुन है ना, लहसुन, और पड़ेगा टमाटर। देखो उधर है टमाटर, ये मसाला सारा बन के रेडी हो जाए। और इधर मसाला निकल रहा है भाई, जो पड़ेगा अंडे में, वो लाल मिर्चा है, जीरा भाई का ब्याह करीता है, गोलमरीच नाम सुन लो भैया, ना जानो काम में नहीं जाना। अच्छा अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट ठीक है भैया, रुको भैया गरम मसाला, दो लौंग एक बड़ी इलायची, दो लौंग एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, छोटी इलायची पड़ेगा मैं, बारे मसाला और डाल दे कुछ, जो मुर्गा और गोम पड़ेगा यार, तू कहा शायद मतलब कोई डांटा वांटा जो नहीं मिला तो नहीं डाल दो भैया। देखो बस मसाला रेडी, ये मसाला मतलब सब मसाला वाला कट के रेडी हो गया है, वो मसाला रेडी हो गया है। और ये आपका एक बिल्कुल फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं कितना फ्राई हुआ है। हिंदी भोजपुरी दोनों बोलते नहीं भाई, वोकर का दिमाग भी बलिया दे चले लो ना। यो ये सारा भोजपुरी बोला, भोजपुरी में मजा आ। अंडा फ्राई होकर रेडी, अब पड़िए मसाला, सबसे पहले जीरा, हाँ उसी तेल में जीरा, और फिर और मतलब जितना प्लेट मसाला मैं अकेले डाल दूँगा भैया, अब पता ना कौन कौन पड़ रहा हमको नहीं पता। धनिया, अब पड़ेगा हरी मिर्च, हाँ हाँ आवाज़ सुन सकते हो भाई तेल कितना गर्म है। लहसुन, फिर थोड़ी देर उसके बाद पड़ेगा प्याज, और तुम लोग सुगंधो दे दे रही धुआं वही में, खाली वीडियो लोग होता तुम लोग बड़ा मस्त सुगंध होता। प्याज भी इसी टाइम पे पड़ेगा, देखो भाई प्याज क्या सारा डाल देंगे। ओके अब इसको मिक्स करेंगे पलटे से। टेम्परेचर 2000 डिग्री रखना है, कम नहीं करना है। और इसमें क्या क्या पड़ने वाला भाई, ये देखो लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया मसाला, धनिया मसाला, नमक, नमक, जीरा मिर्च पाउडर, जीरा मिर्च पाउडर, गरम मसाला, गरम मसाला, चिकन मसाला, चिकन मसाला, दही, दही। अब ध्यान से देख ले लो, दोबारा ना बताइए। अब मसाला रेडी हो रहा है भाई, एक पैकेट एवरेस्ट का चिकन मसाला, और इसमें पड़ेगा हल्दी,
अबे हल्दी वाला छूट गया वाला देख ले लो, हल्दी पड़ता है। लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च जो स्वाद को कर दे दोगुना। हाँ हाँ वह स्वाद कहा लाओ। अब ये पड़ेगा धनिया मसाला। ए मेजर अंडा कहीं बे मसाला वाला धनिया, और अब पड़ेगा इसमें गरम मसाला। गरम मसाला बाद में पड़ेगा। और वो कहा भैया वो कहा कश्मीरी लाल मिर्च ये भैया मिर्चे तो डाल लो वो बस लाल हो मैं लाल देखा कभी मिर्चा पड़े ला बारे मसाला। अभी देखो भाई प्याज भून चुका है आधा, तो ऐसे भूनते रहेंगे। टेम्परेचर 2000 रहने वाला है। और याद रहे कि आप क्या बोलते हैं इसको इंडक्शन बोलते हैं ना, याद रहे आप लोग टच स्क्रीन इंडक्शन पे बनाएं तभी ऐसा स्वाद आएगा। क्योंकि मैं टच स्क्रीन पे बना रहा हूँ। तो सब कुछ जब सेम सेम रहता है तभी सेम स्वाद आता है। अब पड़ेगा भाई जी इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार। अब ये नहीं बताऊंगा नमक कितना पड़ रहा है भैया, आप लोग देख लेना। टाटा नमक है, वाव स्मेल अच्छा आ रहा है। अब इसको पैक कर लेंगे जब तक कुकर सीटी ना मारे। कुकर अब मसाला में डाल देंगे पानी फूलने के लिए, फूलने के वास्ते थोड़ी देर तक छोड़ देंगे मिक्स करके। याद रहे कांटा वाला चम्मच से मिलाइएगा, नॉर्मल चम्मच से नहीं। तभी स्वाद आएगा। वही मैंडो अब बोर के छान के खाती है कितना मस्त। अब इसको छोड़ देंगे जब तक सीटी नहीं लगे। सीटी अरे लग गई। अब इसको थोड़ी देर के छोड़ देंगे भाई जब तक सीटी नहीं लगता है। तुम्हारा भाई बहुत यम्मी खाना बनाता है, तुम्हारे भाई का बड़ा भाई। तुम्हारे भाई कुछ बनाने नहीं आता है सिवाय रोटी, तो बस रोटी गोल बन जाती है वो भी गलती से। उसके अलावा सिस्टर को भी बनाने आता है, पापा को भी बनाने आता है, मम्मी को भी बनाने आता है, भैया को भी बनाने आता है, उसी लिए हमको बस खाने आता है नमी। हम बस खाते हैं, हमको कुछ बनाने नहीं आता, हमको बस रोटी बनाने आता है बस। तो अभी देखते हैं कैसा बनने वाला है। अब इसमें पड़ेगा दही, ठीक है, सारा मसाला सारा रेडी हो गया। अब इसमें दही पड़ेगा भाई, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग अक्सर हर चीज़ में चिकन में मटन में मछली में बस दही नहीं डालते हैं, बाकी सब चीज़ में दही पड़ जाता है। तो बहुत सीटी बज गया, अब इसका ढक्कन खोला जाए फिर देखा जाएगा। चलिए वीडियो की स्किप मत करना। कौन सीटी लगी भैया? तीन चार का मोबाइल के ऊपर भैया, मतलब जितना मन करो उतना बजाया था, धुआं निकाल दो तू अब सारा ऊपर बा। तो अभी चेक करते हैं सीटी बज जाएंगे, दो हो गया ठीक है, तो सीटी पूरा बज जाएगा फिर तब दिखाते हैं आप लोगों को। वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला। और अंकित भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, रुक बोला था इन्ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो ठीक है, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी थी कैसी नहीं ठीक है। ये मेरा डायलॉग है, सारे वीडियो में चिपकाता हूँ, सारे ब्लॉग में चिपकाता हूँ, बोला था इन्ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो ठीक है, और वीडियो कैसी लगी बताओ। ये मेरा तुम्हारे भाई का तकिया कलम हो गया। तो चलो अब दिखाते हैं भाई, ज़्यादा बोल दिया तो ऐसा पच्चीस बार हो गया, ज़्यादा गल जाए ठीक है। तो बोला भैया वीडियो में कलो तीन चार गो मार दिल छः सात गो बर्मा बतर बोला तो भैया वीडियो के चक्कर में कैसे कर दी भैया। अरे तो गद्दारी करते रहो हमारे ब्लॉगर के हमारे सब्सक्राइबर के संग फैन के संगे। अब इसका खोपड़ी खोल के चेक करेंगे क्या जला है। अल्लाह करता हो खुल जाओ यार, मारी क्या कर रहे खुल जाओ। पूरा कुकर भाई तब अरे गम को तय दादा भाई। देखो मसाला गल गया, गल गया है, देख सकते हो कितना गला है कितना नहीं। अब इसमें पड़ेगा मसाला शायद, बहुत टेस्टी बनाता है भाई। भैया जी देखो, और ये राम मेजर मम्मी दे रही है उसको हल्दीराम का नमकीन, खाए खाली है नहीं खाता है। ये देखो
अब इसमें पड़ेगा मसाला, बिल्कुल गल गया है प्याज। अब देखते क्या क्या पड़ेगा। हाँ इस पेस्ट होना पड़ेगा क्या भैया? हाँ पड़ेगा, रुक जाओ भैया। अच्छा शुरू में ना पड़े ला, बाद में पड़ ला। कोई सम कोई लम के बनावे ना आवे। ए मेजर, ए मेजर, हमारा हाथ के खाना खाइबे। ए मेजर, ए मेजर, ए हेनी देख मुड़ी ऊपर कर, हमारा हाथ के खाना खाइबे। ल मेजर पेस्ट। अरे भैया भैया देखो पेस्ट गलत, मेजर गद्दारी कर दिया, पेस्ट पड़ गया पूरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें क्या क्या पड़ेगा आप लोगों को दिखाते हैं। मजा आ जाएगा यार भाई साहब, बस वीडियो जा रहा है आप लोगों के पास नहीं तो हम ऑप्शन कोई होता इसका सुगंध भी देने वाला तो दे देते आपको। ए मेजर हमारा तो खाइबे खाना है। अरे इतना तो इज्जत कर ले भाई, ओकरो पता बा कैसे खाना बनाई जा। अब पड़ेगा इसमें मसाला भाई, देखो जो लाल मिर्च धनिया पाउडर पता ना काका सब जो था वो। अब उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुछ पानी ना पड़े। भाई बिल्कुल इसको पेस्ट बना दिए हैं, गला करके देख सकते हो बिल्कुल एक पेस्ट के जैसे हो गया है। देखो देख रहे हो भाई साहब, इस मसाले को भूजते रहेंगे और इसको तब तक भूजते रहेंगे जब तक कहो तेन फिर से बोल दो, तब तक भूजेंगे जब तक तेल ना छोड़े, तेल ना छोड़े मसाला वा। जब तक मसाला तेल ना छोड़े। मसाला कहाँ से तेल छोड़ी भैया, मसाला तेल का दुश्मन हो रहा। मसाला तेल के तो नहीं लग पाते मसाला कैसे तेल छोड़ी भैया, वो तेल अब इसका तेल छोड़ने का इंतजार करेंगे भैया। और ये देख लो भाई मेजर भैया का खाना मिक्स हो रहा है, क्या है एक रोटी, एक रोटी ऐसे तो खाई भी ना कर रही हूँ। खा लेगा आराम से, छोड़ो मेजर का खाना साइड में छोड़ो वो खा लेगा। ये अब पड़ने वाला है दही, अभी नहीं पड़ेगा मतलब मसाले फेंक, मतलब पानी नहीं पड़ने वाला है भाई, मतलब पानी नहीं डालना है। देखो दही कितना डालना है आपको अपने स्वाद अनुसार डाल लेना है। बस हो गई दही, अब ना पड़ी एक दही कटोरी में चीनी डाल के खा ले हम खाए ना। आप देख पड़ी अब खा के चीनी डाल के, चीनी डाल के दो ना गुड़ डाल के ये एक ही में निकाल। अब इसको भाई देखो दही पड़ेगा इसमें थोड़ी देर में और मसाला को तब तक छोड़ेंगे जब तक वो तेल ना छोड़ दे। अभी कहा नहीं कैसे तेल छोड़ी बेवा तो जोर गई लो अब यार तेल छोड़ा चक्कर में झोंक से डरा तू। अबे सुन हो जी पगला जला हुआ थोड़ी देर खाना खाई उड़ो भाई भाई भरमा दे समझने के चार दे ले बा हम सही बतावत है नहीं खाना बनावे ना वाला लेकिन इतना पता था कि जोर गई लो बरमावत है पेनी करिया हो गई ना कहो तो सुन हो जी। अब इसमें डालेंगे भाई दही, राम भरोसे बन रहा है दही डाला यार हम फिटा जी खाए के थोड़े बार। अब दही पड़ गया ठीक भाई यार कुछ दो हमें गुड़ गुड़ दादू गुड़ भाई इसमें दही पड़ गया। अब इसको फेटेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, पानी नहीं डालना है भाई सबसे हम तो यही देख रहे पानी इसमें एक बूंद अभी नहीं पड़ा है तो पानी कब पड़ेगा अब देखा जाएगा ठीक।
लेकिन हमको कुछ लोचा लग रहा है, लग रहा है जहर दिया है, बोल रहा है कि सोन पिया है। दही के साथ मसाला बिल्कुल मिक्स हो गया है। वाओ, अभी कब तक पाकी? 10 मिनट तक यही तरह पकत रही। अंडा पड़ी में पानी पड़ी के बाद अंडा पड़ी, ये 10 मिनट तक ऐसे ही पकता रहेगा, उसके बाद इसमें पड़ेगा पानी और तब अंडा। तो अभी इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। और ये रहा अपना दही जो बाकी बचा है, दही छोड़ना नहीं चाहिए, खट्टा हो जाएगा भाई। अब इसको वैसे ही मिक्स होने देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। खांसी बोल तो भगवान माफ करिए। मम्मी आओ तेरे हमी दही काका भैया ले लो सामने ले यानी हो दादा कोई ना ले लो अरे अरे बाबा मजा एमी खाली तनी नहीं खाई ये मम्मी ले आइसक्रीम वो खा ला देदा हां मैं वो खा ले से यार हमारा कुछ ना हो रहा ना खाती होती ना हो रहा तू कॉल का चाहत रे हाय दादा बच्चा बोलो बच्चा अरे चिकन एक कर मम्मी अल्लाह का चिकन क्या ला वाला नहीं के बहुत मस्त लगा था दादा भाई साहब इसको देखो मसाला कैसे पक रहा है। हम को थोड़ी देर के 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे मसाला। दे यार खाती अकेले अकेले खियाओ लमी ले बू अबे ले आओ तुम जाको लोग फिर पछताए हम के मत बोलिया बहुत टेस्टी बा हो के खाली मन तो तारो बा भाव खाते रहू तब कि ना तेरे के खाली सही में टेस्टी बा आपने मेरी दोनों के नुकसान करी नव्या भाई साहब मसाला फ्राई हो गया है, अब इसमें पड़ेगा पानी। ठीक है अब इसको पानी पड़ गया इसमें, अब इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे, गर्म करेंगे और ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें डालेंगे अंडा। भाई साहब इसमें बाढ़ लगा देना है, आपको अपने फैमिली मेंबर देख के, घर में जितने लोग उतना पानी, एक लोग पे 200 ग्राम पानी मिला के डाल दो। हम लोग 5 लोग मैंने 1 लीटर कितना डाल रहा हो, आधा लीटर, एक लोग पे 100 ग्राम। हम तो हमको लगा था पानी नहीं पड़ेगा, ये तो पूरा हवा हिल कर दिया। अब इसमें पड़ेगा डायरेक्ट अंडा और बन के रेडी हो जाएगा तुम्हारा। अब पता नहीं, नाम नहीं पता है भाई, बस इसमें दही पड़ गया। अब कैसा कैसा बनेगा, खा के तो टेस्ट अच्छा लगता है, नाम नहीं पता इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं। देसी एक कड़ी विद दही ऐसा नाम, जो भी समझ लो कुछ। अब इसमें लास्ट में पड़ेगा भैया थोड़ा सा गरम, ये तो ज़्यादा पाओ, थोड़ा सा इसमें पड़ेगा गरम मसाला, लास्ट में पड़ेगा गरम मसाला। अब इसको ऐसे ही गर्म होगा, खोलेगा फिर अंडा पड़ जाएगा, फिर स्वाद आ जाएगा। और ये देखो हमारी मेजर भैया का, ठीक है मेजर भैया खाना खा लिए, अभी टहल रहा है। हम यहाँ पे है ना किचन में आने नहीं देती है मम्मी, इसलिए वहाँ गेट पर बैठा हुआ है। देखो इसे मम्मी के चलते उधर बैठा है, किचन नहीं आता है। अब इसको होने देते हैं गरम, खोलेगा फिर अंडा डालेंगे, फिर बनके रेडी। वो भाई देख सकते हो अब ये पानी पूरा खोल रहा है, देखो कैसे खोला, ऊपर का झाग बिल्कुल रेड हो गया है, आग बंद होगा ना तो ऑयल जैसे हो जाए। अब इसमें पड़ने लगा अंडा। अब कहाँ गया अंडा, हो 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिन ली, 9 हेराई, 9 में 10 ये हेराई लगता है।
अब इसको छोड़ेंगे कितने देर के लिए? 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे, एकदम मस्त बंद करके रेडी हो जाएगा ना। अब भी भाई साहब आपका एक कड़ी बंद करके रेडी हो जाए, देख सकते पास में आपको बुलाओ दिखा दे, ठीक है। अब अंडा पड़ गया है, बस इसको खोल रहा है, 5 मिनट में बंद करके रेडी हो जाएगा, उसके बाद मजा आएगा खा के। मम्मी रोटी बना रही है, बस थोड़ी देर में रोटी बंद करके ओके हो जाएगा, हमको खाना है। मेरे घर में सब कुछ सेफ भरा पड़ा है भाई, सबको खाना बनाने आता है, वो भी स्पेशल डिश, और हमको बस खाने आता है स्पेशल डिश। तो फटाफट चलते हैं दावत में, थोड़े समय बाद ये बन जाए, थोड़ा ठंडा होने देंगे, पूरा लजीज दिखेगा और रोटी बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप लोग से फटाफट मिलते हैं बनने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ये पहला काम करना, ठीक है। तो वेट करते हैं बन जाने के बाद, फिर आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है भाई। देखो देख सकते हैं भाई कितना ऊपर लाल लाल सब, ये तेल नहीं है, कहा तेल ना तो तेल है भैया जाए दलो अभी ना पड़ेगा धनिया, तू अपने कॉलो ना तेल ना हो कहता रहो कुछ और ही कह देता रहो कुछ और ही। देखो धनिया पड़ गया भैया, अब इसको ढक के छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको ढकेंगे और इसको छोड़ देंगे बिल्कुल बंद कर, अभी जब खुलेगा तब देखना, तब तक रोटी बन जाए, रोटी बन कर रेडी हो जाए, मास लगा लो, तब तक पानी में मुंह में पानी ना चुके। अब इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, भाई साहब बन करके रेडी हो गया है, अब दिखाते हैं आप लोगों को, देखना आराम से आप लोग मुंह में पानी आ रहा होगा बचा के। अल्लाह हमारा तो डिस्प्ले ये पहना रहोगे, आय हाय हिलाओ मत, हो बड़ा अच्छा लोग बता, भाई सुगंध सही बता रहे बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन अफसोस ये इस बात का है कि हम आप लोग बस वीडियो दिखा सकते हैं, कोई ऑप्शन होता तो सुगंध भी दे देते आप लोगों को। अब खाएंगे फटाफट से, और ये तुम्हारा प्याज और ये अंडा बन करके रेडी, अब तुम्हारा अंकित भाई खाएगा दबा के। अब तुम्हारा भाई खाने वाला है, देखो यम्मी, ये रोटी में ना लग जाए, इसके लगाते हैं स्टैंड, देख रहे हो आईफोन्स लगाएंगे स्टैंड, अमीरी है भाई जलवा है अंकित भाई का। यस इसको रख दे यहाँ पे, और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यम्मी खा के मजा आ गया, प्याज भी, और ये अब इसको चेक करते हैं कैसा बना है कैसा नहीं, तब भाई साहब खा लिए, जैसा सोचे थे वैसा नहीं बना था, आप लोग से झूठी तारीफ नहीं करेंगे, पानी हवा हेल था उसमें, गंगा जी बह रही थी और गरम मसाला ज्यादा था, तो हर बार अच्छा बनता है। मैंने तो पहले ही बोला था कि वीडियो में मसाला देख के मसाला जला दिया था, और बोल रहा है कि सोन हो रहा है वहीं पे कुछ गड़बड़ लोचा हो गया था वहीं से कुछ लोचा कर दिया था, ठीक है। तो इस बार उतना अच्छा नहीं, अच्छा था लेकिन उतना अच्छा नहीं था कि मतलब मैं आप लोगों को बोली कि वाह देखो कितना टेस्ट है ये वो, कुछ नहीं गड़बड़ कर दिया था। पहली बात वो गंगा जी बह रही थी उसमें, और दूसरी बात गर्म मसाला ज़्यादा था, बाकी सब ठीक था, खा के अच्छा लगा भाई। तो ऐसे तुम्हारा भाई मस्ती मजाक करता रहता है, बनाता रहता है, जब भी मूड में आता है तो भाई बनाता है, और मैं टेस्ट करके बताता हूँ, ठीक है। अभी तो खा लिया भाई, अब सोने की तैयारी होगी, तो चलिए फटाफट से मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में भाई। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एक थोड़ी उम्मीद मिलती रहती है, ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है।